हेलो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज आपका ड्राइंग लेक्चर है। टेक आउट योर क्रिएटिव ड्राइंग बुक एंड आल्सो ब्राउन ड्राइंग बुक। ओपन योर क्रिएटिव ड्राइंग बुक, राइट डाउन इन योर इंडेक्स पेज दिस टॉपिक नंबर 5 पिक्चर कंपोजिशन। टुडे डेट इज 3.12.20, पेज नंबर 21 देखिए। ओके, चलिए हम पेज नंबर 20 पर आए। पेज नंबर 20, पिक्चर कंपोजिशन। Can you make picture on any one activity from your daily activities? Make a beautiful picture on any one activity in your art book and fill watercolors in it. हम ह्यूमन फिगर बनाना सीख गए हैं अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर ह्यूमन फिगर बनाना अच्छी तरह से सीख गए हैं। तो आज मैं आपको नहीं बताऊँगा कि कैसे मतलब ह्यूमन फिगर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है दोनों में। नंबर 1 फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड फाइनल थर्ड स्टेप, ये भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप बताया है उन्होंने। घबराना नहीं है, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है पहले रफ बुक में, फिर चाहे तो फेयर बुक में ड्राइंग करेंगे। ओके, स्टडी द पिक्चर हियर ऑन द लेफ्ट साइड made on the topic children flying kite. Study the picture on the right side made on the topic a student working on a computer. Study the sketches of both the pictures. There is a painting relevant to the topic in the picture children flying kite. Observe it. It will be easy to make both the pictures by understanding number one, number two carefully. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21 पर आपको चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स बनाना है। इन्होंने यहाँ पर लिखे वैसे प्रिपेयर पिक्चर कंपोजिशन ऑन द टॉपिक चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट और स्टूडेंट वर्किंग ऑन कंप्यूटर इन द ब्लैंक स्पेस गिवन अबव एंड फिल कलर्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक यूज वाटर कलर्स और पोस्टर कलर्स फॉर पेंटिंग। हम पोस्टर कलर करेंगे, स्केच पेन से हम आउटलाइन स्केच पेन हम आउटलाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स बनाएंगे, एक बड़ा सा रेक्टेंगल शेप बना लेंगे, उसके अंदर इस स्टेप को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहले ये इस तरह से बताया है, इस तरह से इतना ड्रॉ कर लेना। पेंसिल को हल्के से पकड़ना है, प्रेस ज़्यादा नहीं देना है, पहले रफली ड्रॉ करना है। बार बार रब करने की नौबत आ सकती है, अब डार्क बनाओगे तो खड्डा भी पड़ जाएगा, फिर बार बार रब करते करते फिर वो गंदा काला काला दिखेगा। तो परफेक्ट बन जाएगा तब उसको डार्कन कर सकते हैं, नंबर वन। फिर उसके बन स्टेप नंबर वन फॉलो करने के बाद नंबर टू पे आइए। फिर उसके बाद और कुछ बाकी है नंबर 3 में, सब कुछ ड्रॉ कर लेने के बाद फिर पक्का आपको लगता है कि नहीं परफेक्ट है तो डार्क कर सकते हैं तब। और उसके बाद पोस्टर कलर करेंगे और फिर लाइनिंग्स जो है या आउटलाइन है उसके लिए हम स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं। तो यही पेज नंबर 20 में, ये चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट पेज नंबर 21 में आपको ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर बनाना है, स्केच बनाना है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, उसके बाद पोस्टर कलर करना है। स्केच पेन लाइंस या आउटलाइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, ये स्टूडेंट वर्किंग ऑन कंप्यूटर ये आपको बताया है ना, वो आप ब्राउन बुक में ड्रॉ करेंगे। छुट्टियाँ गई है काफ़ी, ब्राउन बुक में
नंबर सिक्स में आएगा, आज की डेट डालेंगे 3/12/20, अ स्टूडेंट वर्किंग ऑन कंप्यूटर, और फिर ड्रा करेंगे। यह मैं आज आपको नहीं बता रहा हूँ, देखिए आपके बड़ा सा यहाँ पे डेट डालिएगा, फिर यहाँ टॉपिक लिखेंगे बराबर, अब बड़ा सा ड्रा करना है इसको। ये ड्रा करने के बाद आप स्केच पेन से या ब्लैक बॉल पेन से उसके ऊपर डार्कन कर देंगे, कलर नहीं करना है आप। ब्राउन ड्राइंग बुक में पहले बना लीजिएगा, ये कंप्यूटर वाला पहले बना लीजिएगा, बड़ा बनाना है, ये बुक पेज बड़ा है तो उसी हिसाब से बड़ा बनाना है। यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे टॉपिक बड़ा बनाना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बनाकर फिर ड्रा करना, फिर इसमें ब्राउन ड्राइंग बुक में कलर नहीं करना है, लेकिन वो क्रिएटिव बुक जो है उसमें स्केच बनाने के बाद कलर भी करना है। ओके, इतना सा ही आज के दिन। नब्बा चिल्ड्रन बन जाने के बाद मुझे सेंड करना है, भूलिएगा मत।